ऑलमोस्ट गाइस हमने पिछले 3 महीनों से ईयरबड्स का रिव्यू नहीं किया है। इसके पीछे सिंपली 2 रीजन है। फर्स्ट, एक तो आपको अलग टाइप के कंटेंट में आपको दिखा रहा था, सेकंड कोई अच्छा ईयरबड्स नहीं मिल रहा था जो मैं आपको दिखाऊं। बट आज मैं आपको एक ऐसा ईयरबड्स बताने वाला हूं जो लिटरली आपके सभी तरह के काम में फिट हो जाएंगे, एंजॉय कर सकते हो, गाना सुनते समय, जिम वगैरह करते हो तो कान में फिट भी रहेगा और इवन इसमें आईपी रेटिंग वगैरह भी अच्छा होना चाहिए और जब गाना वगैरह सुन रहे हैं तो बैटरी लाइफ भी अच्छा खासा मिल जाए। तो इसके लिए मैं गया अमेजोन पे। अब गाइस यहां पे मुझे बहुत सारे ईयरबड्स मिल रहे थे बट जो सही प्राइस में सही फीचर दे दे ऐसा मिलना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। बट बहुत देर स्क्रॉल करने के बाद मुझे एक ऐसा ईयरबड्स मिला जिसका प्राइस भी मुझे अच्छा लग रहा था और फीचर में भी ब्लूटूथ 5.3 हो गया, ऐप कंट्रोल है यहाँ पे, साथ में इसमें आपको 30 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है, IPX5, मतलब बहुत सारे फीचर इसके अंदर इनबिल्ट है। और इस ईयरबड्स का जब मैं प्राइस देखा तो भाई साहब 2200 में ये ईयरबड्स है जो एंकर का आता है। और गाइस आपको पता होगा कि एंकर बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और साथ में काफी महंगे महंगे प्रोडक्ट इसके आते हैं और यहाँ पे इसका ईयरबड्स का प्राइस 2200, बिना टाइम गवाए ऑर्डर कर दिया इसे। तो फाइनली गाइस मेरे पास आ गया है, ये देख सकते हो। चलो इसका फटाक से डब्बा खोला जाए। सबसे पहले यहाँ पे पुस्तक है, इसे हम साइड में करते हैं। यहाँ पे रखा गया हमारा ये टिप्स है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो और ये टाइप सी टू टाइप है, यहाँ पे चार्जिंग केबल है और लिटरली इसका क्वालिटी आप देखोगे काफी प्रीमियम है। लेकिन भाई डब्बा में क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। इसे मैं पिछले 5 दिन से यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं गाना सुनकर देखा, इसके बाद जिम में इसे यूज किया हूँ, साथ में गाइस जब मैं कॉल पे था तो पर्सनली मैं इसका यूज कर रहा था ईयरफोन को साइड में करके और सच में इसका माइक का क्वालिटी भी मुझे काफी पसंद है। अब गाइस इस बड्स में 2 AI माइक आपको मिल जाता है जो काफी अच्छे तरीके से काम करता है। बट यहाँ पे हम एक्चुअल टेस्टिंग करेंगे कॉल करके सामने वाले को कितना अच्छा आउटपुट जाता है जब मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से आउटडोर में। तो हेलो अवध भाई, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया भाई, तुम बताओ? यार मेरा भी अच्छा चल रहा है। तो क्या चल रहा है आपके लाइफ में अभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, एडिटिंग का काम छोड़ दिया क्या आप? हाँ वो तो मैं कब का छोड़ दिया। अच्छा, तो ये अभी क्या कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, बैठा हूँ। अच्छा, अभी आवाज मेरा कैसा आ रहा है ये बताओ? आवाज तो अच्छा आ रहा है तुम्हारा। बैकग्राउंड में यहाँ पे एक म्यूजिक बज रहा है, उसका आवाज आ रहा है क्या? नहीं नहीं उसका तो बिल्कुल नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी अगर तुम शांत जाते हो तब आता है, ऐसे तुम बोलते हो तब नहीं आता। ऐसे कुछ भी, ऐसे कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है ना साउंड में? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आवाज क्लियर है। सबसे पहले तो इसे आप कुछ इस तरह से नचा सकते हो, इसमें जो रिबन दिया गया है, मजाक कर रहा हूँ, इसे आप मस्त अपने पॉकेट के पास इस तरह से लटका सकते हो ताकि जब आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे होगे तो उसमें आपको बार बार पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से लटका रहेगा और मस्त फिर आराम से इसे निकालो और यूज करो। अब इसका बिल्ड और डिजाइन लिटरली गाइस काफी प्रीमियम लगता है एंड यहाँ पे जो मैट्स ऑफ फिनिश है ना मस्त है गाइस। अब इसका जो लुक है ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है एंड मस्त यहाँ पे साउंड कोर का ब्रांडिंग किया गया, साउंड कोर बाय एंकर, ओके। एंड इसके बाद गाइस यहाँ बैक साइड में यहाँ पे सारी चीज मेंशन किया गया है और इसे आप कुछ इस तरह से लीड को खोल बंद कर सकते हो और लिटरली यहाँ से क्वालिटी का आइडिया लग जाता है ऐसे। या हिंज का क्वालिटी तो सच में काफी अच्छा है। और ये रखा गया है हमारा यहाँ पे बड्स, इसे कान में लगाते हैं, फिट तो काफी अच्छे तरीके से हो गया। अब इसका एक्चुअल टेस्टिंग तो वर्कआउट करते समय हम करेंगे, फिट देखेंगे, इसके बाद इसका आईपी रेटिंग कितना अच्छा है, स्वेट वगैरह अगर कान में से आता है तो। तो भैया फिट कैसा रहा बड्स का? इसका फिट बहुत मस्त है भाई, थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। अब बड्स का भी जो डिजाइन है ये भी काफी अच्छा है और साथ में काफी ड्यूरेबल भी है। लेट्स सपोज आपके कान में से इस तरह से लगाए और ये गिर जाता है फिर भी इसे कुछ नहीं होगा, काफी ड्यूरेबल जो है। इसका टोटल वेट 48 ग्राम्स है और बड्स का वेट टोटल 10 ग्राम्स के आसपास है जो आई थिंक काफी लाइट वेट भी है। इसे आप लंबे समय के लिए यूज भी करते हो तो बिल्कुल भी आपका कान वगैरह में हेवी नहीं लगेगा और इसका जो ईयर टिप्स है ये भी काफी सॉफ्ट है तो बिल्कुल भी दर्द वगैरह नहीं होता है। बैक साइड में यहाँ पे टाइप सी इंटरफेस है जिससे आप इसे चार्ज करोगे और इसके बाद आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर लाइट मिल जाता है जिससे आपको पता चलेगा ये चार्ज वगैरह हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट साउंड क्वालिटी गाइस, इसमें 10mm का ड्राइवर लगा हुआ है बट इससे इम्पोर्टेंट है इसमें आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। आपको डाउनलोड करना है साउंड कोड ऐप, देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और लेफ्ट और राइट के यहाँ पे बैटरी भी आ चुका है कि अभी कितना बैटरी वगैरह चार्ज है। इसका इक्वलाइजर है जहाँ से आप ये सारा चीज कर सकते हो, इसमें आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के साउंड प्रीसेट मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको मान लो बेस रिड्यूस करना है, पॉडकास्ट वाले साउंड सुनना है, डी फ्लैट, जैज, लाउंज, पॉप, रॉक, स्पोकन वर्ड। के बाद यहाँ पे एक बेसअप मोड है जिसमें साउंड और भी बेस के साथ आता है। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल्स का ऑप्शन है जिसमें आप अपने हिसाब से अगर फिंगर 1 टैप कर रहे हो तो क्या होना चाहिए वो सेट कर सकते हो, जैसे सिंगल टैप से प्ले पॉज होगा बट आप इसे चाहो तो प्ले पॉज के अलावा नेक्स्ट, प्रीवियस, नेटिव वॉइस असिस्टेंट, नॉन, वॉल्यूम अप एंड डाउन भी कर सकते हो। डबल टैप पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है
वॉल्यूम अप का, टैप एंड होल्ड पर भी आप कर सकते हो कस्टमाइज। ये था लेफ्ट बड्स के लिए। अगर आप राइट के लिए अलग चीज़ करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो ये काफी यूनिक फीचर है, अपने हिसाब से यहाँ पे सारी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको यहाँ पे गेम मोड भी मिल जाता है जिसे आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो गेम खेलते समय, जिससे गेम में जो लेटेंसी होता है ये आपको कम फील हो। मतलब ऐसे ही वायरलेस है तो थोड़ा सा लेटेंसी होता है, बट ये बहुत ही ट्राई करता है कि लेटेंसी कम हो और आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस अच्छा हो। अब तो ये हो गई गाइस सारी चीजें। अब यहाँ पे आप एक बार साउंड सुनो इसका, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका साउंड कैसा है। गाइस इसका साउंड लिटरली काफी अच्छा है। इसका बेस वगैरह तो अच्छा है ही, बट अगर आप इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट देखोगे तो ये भी काफी क्लियर सुनाई देता है। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, इससे आप अपने हिसाब से प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तब वो वाला ट्राई कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे लाउडनेस भी इसका काफी अच्छा है। तो साउंड वाइज देखे तो लिटरली काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे साउंड कोर ने। बात करें यहाँ बैटरी लाइफ का, तो देखो टोटल प्ले टाइम यहाँ पे 10 घंटे का आपको ये बड्स दे देगा, और केस के साथ आपको 30 आवर्स का प्ले टाइम देखने मिलेगा। और इतना ही नहीं, 10 मिनट चार्ज करने के बाद आप इसे 120 मिनट तक आप इसका यूज कर सकते हो। तो फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये तो हो गई इसकी पेपर वाली बातचीत, बट गाइस जब मैं इसे एक्चुअल में यूज कर रहा था रियली इसका बैटरी बैकअप गाइस बहुत ही अच्छा है। फाइनली गाइस बात करें कंक्लूजन का, क्या ये बड्स आपको लेना चाहिए या नहीं। तो देखो इसका फीचर वगैरह काफी अच्छा है, साथ में अगर आप इसका रेटिंग देखोगे तो 80,000 प्लस इसका रेटिंग भी है। और लिटरली इसका साउंड वगैरह भी काफी अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छा है, साथ में ऐप सपोर्ट मिलता है। और प्राइस भी देखें तो 2000 से लेकर 2200 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स आप पूछ सकते हैं। और इस तरह के और भी वीडियो आपको देखने सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करो। मैं अभी यहाँ पे म्यूजिक सुनना शुरू करता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लेना और बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में।